नमस्कार, सॉफ्ट लर्न के लर्निंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम हर एक वीडियो में नया टॉपिक या नई एक्टिविटी देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम हमारे बच्चों के ग्रोथ में और बच्चों के पूरे चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस को कैसे अच्छा बना सकते हैं, उस ग्रोथ में हम कैसे उनको हेल्पफुल साबित हो सकते हैं और क्या उनको असिस्ट कर सकते हैं जिससे कि वो और भी कॉन्फिडेंट और भी कैपेबल और अच्छे बच्चों के तौर पर उभर कर आए। आज हम ये देखेंगे कि बच्चों के जो ग्रोथ माइलस्टोन्स होते हैं उनमें अलग अलग स्किल्स डेवलप होते जाते हैं, तो ये स्किल्स क्या हैं और इन स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए, उनको विकसित करने के लिए, डेवलप कराने के लिए हम कौन कौन सी एक्टिविटीज ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे बच्चे 2 साल की उम्र से आगे आते हैं तो उनके जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो और भी जल्दी जल्दी होने लगती है, वो चलना शुरू करते हैं, फिर रनिंग या जंपिंग ऐसी एक्टिविटीज शुरू होती है, उनको अपने टॉयलेट ट्रेनिंग पर या टॉयलेट सेंसेस पर, लू सेंसेस पर कंट्रोल आने लगता है। उसी के साथ है कि वो खाना खाने के टाइम पे कोशिश करते हैं कि वो खुद के हाथ से खा सकें, तो ये सारा सेल्फ अवेयरनेस की जो बात है वो उनमें आने लगती है और इसीलिए हेल्थ एंड हाइजीन का भी वो ध्यान रखना चालू करते हैं। हाथ गंदे हो गए तो बोलते हैं मम्मा मम्मा हाथ गंदा हो गया, तो इस तरह से उनको वो सेंसेस अवेयर होने लगते हैं। दूसरा पॉइंट आता है ग्रॉस मोटर स्किल्स, जैसे कि मैंने कहा कि उनकी एक्टिविटीज बढ़ने लगती है, वो दौड़ना भागना शुरू करते हैं, कहीं से जंप करना शुरू करते हैं, सोफा से जंप कर दिया, बेड से जंप कर दिया या स्टेयर्स को क्लाइंब करना शुरू करते हैं, तो खुद में बैलेंस आने लगता है, उनको स्पीड का पता चलता है, कभी साइकिलिंग कराते वक्त वो फास्ट साइकिल चलाएंगे, कभी कोशिश करेंगे कि स्लो साइकिल चलाएं, तो इस तरह से वो अपने आप पर काबू पाना सीख लेते हैं, उनके ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होने लगते हैं। उसी के साथ फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप होना चालू करते हैं। फाइन मोटर स्किल्स यानी कि बच्चों के जो स्मॉल मसल्स हैं वो कारीगर होना चालू करते हैं, जैसे आईज के मसल्स हो गए या हाथों के मसल्स हो गए, तो वो एक्टिवली उन पे कंट्रोल आने चालू होता है, उनको कैसे कंट्रोल करना है इसका एक एक्सपीरियंस बच्चों में आने लगता है और उसी के साथ वो एक्टिविटीज करते हैं। तो फाइन मोटर स्किल्स हम आज का टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि फाइन मोटर स्किल्स एग्जैक्टली होती क्या है, लेकिन सेंस फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट में आखिरी पॉइंट आता है सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन का, वो क्या है तुरंत देखते हैं और आज के टॉपिक को हम चालू करते हैं। सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन में जो हमारे 5 सेंसेस है उन 5 सेंसेस को डिस्क्रिमिनेट करना, वो अलग अलग महसूस करना चालू करते हैं, जैसे अलग अलग आवाज़ें हैं, जैसे अभी मोबाइल बजा तो मोबाइल की आवाज़ है, टीवी की आवाज़ है, तो वो लाउड और जो धीमा म्यूजिक है उसको महसूस करना चालू करते हैं, उसको समझना चालू करते हैं। उसी के साथ टेस्ट है या स्मेल है उसको भी डिस्क्रिमिनेट करना चालू करते हैं, कोई फिश की स्मेल है तो वो उनको पसंद आएगी ही ऐसा नहीं है, वही फ्लावर की स्मेल उनको पसंद आती है, इस तरह से वो डिस्क्रिमिनेट करना, लाइक्स और डिसलाइक्स डेवलप होने लगते हैं उसमें। उसी के साथ टैक्टाइल जो है, टच जो है, वो टच को समझने लगते हैं, ठंडा गर्म इसको समझने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो गई फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट में, जो एज वाइज हम देखते हैं उसमें ग्रेजुअल चेंजेस आने लगते हैं, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आता है, उसी के साथ उसमें डेवलपमेंट भी होती रहती है कि पहले जो समझ नहीं आती थी अब वो समझ आने लगी है, जैसे स्विच बोर्ड है तो उसमें उंगली नहीं डालनी चाहिए, ये छोटे बहुत छोटे बच्चों को समझ में नहीं आता है, 2-2.5 साल की उम्र तक बच्चों को समझ में नहीं आता है, सेफ्टी के बारे में वो अवेयर नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे फिर उनका अवेयरनेस बढ़ता है और वो सेफ्टी के बारे में और सजग हो जाते हैं।
तो इसी प्रकार से उनको समझ में आता है कि हाइट से किसी किसी को डर न लगने लगता है या मैं गिर जाऊंगा ऐसा फीलिंग आता है। तो इसका मतलब है कि बच्चे खुद पर काबू पाना, कंट्रोल करना सीख पाते हैं और उनको सेल्फ अवेयरनेस उनकी बढ़ती है। तो आज हम सीखेंगे फाइन मोटर स्किल्स एग्जैक्टली है क्या। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि फाइन मोटर स्किल्स यानी कि स्मॉल मसल्स की मूवमेंट्स का एक कंट्रोल है, और वो स्किल्स जितनी बढ़ती है उतना ही बच्चे का आर्टिस्टिक हैंड या जिसको हम क्रिएटिव हैंड बोलते हैं वो बढ़ता जाता है। तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी इसमें आता है। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना या रिस्पॉन्स देना वो समझना चालू करते हैं। जब हम बोलते हैं कि तुमको कलरिंग करना है तो दे नो कि क्रेयॉन्स को उठाना है, क्रेयॉन्स को कैसे पकड़ना है और कलरिंग कैसे स्टार्ट करनी है। धीरे धीरे उनको समझ में आता है। जैसे आप इंस्ट्रक्शन देते हो कि आपका आउटलाइन जो है या पिक्चर जो ड्रॉ की हुई है उसमें कलर बाहर नहीं जाना चाहिए, तो वो इन सारी चीज़ों को रिस्पॉन्स देना चालू करते हैं। पहले उनका कंट्रोल नहीं रहता है हाथों पर, इसीलिए वो लाइन के बाहर भी कलरिंग करते हैं। लेकिन जैसे ही उनको हैंड्स पर कंट्रोल आने चालू होता है वो धीरे धीरे आपको लगता है कि वो आपकी इंस्ट्रक्शन समझ रहे हैं, उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। बट बेसिकली उनके ये जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप हो चुके होते हैं और उनको पता चल जाता है कि कलरिंग एक्चुअली में कैसे करनी है। लोपा मुद्रा जब छोटी थी तब वो बहुत सारे व्हाइट स्पेसेस बीच में छोड़ देती थी जब क्रेयॉन से कलरिंग करती थी, या इतना मैसी कलर करती थी कि समझ में नहीं आता था कि एक्चुअल पिक्चर क्या है। लेकिन जैसे ही वो बड़ी हुई, अभी 3 साढ़े 3 साल की हो गई, तो उसका कलरिंग का जो क्रिएटिविटी है या कलरिंग जो जितना अच्छे से वो करती है अभी, वो पहले नहीं कर पाती थी। तो इसका मतलब उसके वो फाइन मोटर स्किल्स अच्छे से डेवलप हो चुके हैं, उसको कलरिंग क्या है वो समझ में आ गया है और उसको हैंड्स पर कंट्रोल भी आ गया है, ये हम समझ सकते हैं। डेक्सटरिटी एक पॉइंट आता है फाइन मोटर स्किल्स में। डेक्सटरिटी ये है कि एबिलिटी टू यूज योर हैंड्स स्किलफुली। स्किलफुली अपने हाथों को बच्चे कितना यूज कर पाते हैं, ये जो स्किलफुल हैंड है वो बचपन में ही डेवलप होता है और धीरे धीरे उसकी जो कंट्रोल है, उसकी जो एक्टिविटीज है वो बढ़ती जाती है। तो हम किसी किसी का बोलते हैं कि स्किलफुल हैंड है, आर्टिस्टिक हैंड है, किसी किसी को बहुत अच्छा ड्राइंग आता है, किसी को कुकिंग में बहुत अच्छी कारीगरी आती है, जैसे केक पर कुछ ड्राइंग या बनाना है, आइसिंग करना है तो वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं, या फ्लावर अरेंजमेंट्स है या रंगोली मेकिंग है। तो ये सारे स्किल्स हो गए। इन स्किल्स में हाथों की फाइन मोटर स्किल्स इस्तेमाल होती है, तभी जाके वो अच्छे तरीके से कंट्रोल्ड वे में उन हाथों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फाइन मोटर स्किल्स का सबसे ज्यादा उपयोग है जो हम आज की जिंदगी में देखते हैं। तो हमारे बच्चे में अगर ये सारी स्किल्स आने चाहिए, इनको आर्ट आना चाहिए, क्राफ्ट आना चाहिए, या रंगोली या कुकिंग में उनको इंटरेस्ट है, आगे चलकर वो अगर डॉक्टर्स भी बनते हैं तब डॉक्टर्स भी ऑपरेशन करते वक्त जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं उसमें भी उनका स्किलफुल हैंड होता है। तो ये सारी बातें आपको बचपन से ही ध्यान में रखनी है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए आप ये चांसेस दें। आइए अब देखते हैं कि फाइन मोटर स्किल्स की एक्टिविटीज कौन सी है जो हम करा सकते हैं। सबसे पहले है स्क्रिबलिंग, कलरिंग, कलरिंग के बारे में हमें ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुकी हूँ। फिर है थ्रेडिंग, पेपर टियरिंग और पेस्टिंग, फोल्डिंग और क्ले मॉडलिंग। आइए एक एक करके इनको देखते हैं। स्क्रिबलिंग एक्टिविटी में स्क्रिबल करना है, जैसे स्लेट स्क्रिबलिंग है या वॉल स्क्रिबलिंग है, पेपर स्क्रिबलिंग है, ये सारी एक्टिविटीज आप बच्चों से करा सकते हैं। आपको पता है कि बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तब क्रेयॉन्स अगर उनके हाथ में आते हैं तो वो सबसे पहले जाते हैं और दीवार पर क्रेयॉन से पेंटिंग बनाना चालू करते हैं। ये उनकी सबसे फेवरेट एक्टिविटी है। तो ये एक्टिविटी को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। सिंपली आप एक काम कीजिए कि वॉल पर
एक कोई बड़ा सा न्यूज़पेपर लेकर या कोई वाइट शीट पेपर लेकर आप वॉल पर चिपका दीजिए और बच्चे को बोलिए कि आप उस पर स्क्रिबल करें, जिससे कि बच्चों को एक आनंद आएगा कि वो अपने मन की कर रहे हैं, साथ ही साथ आप भी सेटिस्फाइड रहेंगे कि उनकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही है। पेपर स्क्रिबलिंग भी ऐसा ही है, जब तक पेंसिल का होल्ड अच्छे से नहीं आता है तब तक आप सिर्फ पेंसिल हाथ में पकड़ा दीजिए और वो जैसे भी पकड़े पेंसिल को उनको स्क्रिबल करने के लिए बता दीजिए। स्लेट स्क्रिबलिंग पर आप अगर उनको चॉक्स दे देते हैं अलग अलग रंग के, तो वो स्लेट्स कलरिंग भी चालू कर सकते हैं, जैसे लोपा मुद्रा इस वीडियो में कर रही है कि अलग अलग उनके मनपसंद चॉक उठा रही है और वो बस स्क्रिबल करते जा रही है। जितना वो डार्क स्क्रिबल करेगी उतना उसके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होंगे, हैंड मूवमेंट, जितना फास्ट वो हैंड को मूव कर पा रही है उतना उसका राइटिंग स्पीड बढ़ने वाला है। तो ये सारी बातें स्क्रिबलिंग में आती है। उसके साथ है कलरिंग। कलरिंग जैसे मैंने बोला कि वाइट स्पेसेस बच्चे छोड़ते हैं, पहले आउटलाइन के बाहर जाते हैं और कलर करते हैं, कभी कभी बहुत मेसी कलर कर देते हैं, ये सारी बातें होती रहती है, लेकिन फिर भी आपको कलरिंग एक्टिविटी उनको देते रहना है। कलरिंग एक्टिविटी देने के लिए आप क्रेयॉन्स जो चूज़ करें वो भी आप थिक क्रेयॉन, थिन क्रेयॉन्स मिलते हैं, ट्रायंगुलर क्रेयॉन्स मिलते हैं, जिसको आप ले सकते हैं और बहुत छोटी उम्र से आप कलरिंग एक्टिविटी बच्चों को देना चालू कर सकते हैं। थ्रेडिंग एक्टिविटी में दो तरह से थ्रेडिंग एक्टिविटी आप कर सकते हैं। एक तो है कि बीड्स को आप बोलिए कि लेस में डालिए, डालने के लिए बोलिए, जैसे इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक एक बीड को उठाना है, फिर होल ढूंढना है, उस होल में लेस डालनी है और फिर उसको बीड को लेस के आखिर तक, आखिरी छोर तक लेकर जाना है। इन सारी चीज़ों में उनका वो देख रहे हैं, हाथों से छू रहे हैं, हाथों की मूवमेंट्स कर रहे हैं, ये सब फाइन मोटर स्किल्स के काम हो रहे हैं। उसके साथ आप अगर दूसरा कुछ फ्लावर थ्रेडिंग देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। उसके लिए आप बहुत मोटी साइज की एक निडल आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप आगे से ब्लंड कर दीजिए और बच्चे को दे दीजिए, या फिर प्लास्टिक निडल मार्केट में मिलती है वो प्लास्टिक निडल भी आप लेकर बच्चों से फ्लावर थ्रेडिंग हो सकता है या पर्ल थ्रेडिंग हो सकता है, जो मोती है उसका छेद बहुत छोटा हो जाएगा, बीड्स के जितना बड़ा नहीं रहेगा, तो उसको और भी ज़्यादा फोकस से देखना पड़ेगा बच्चे को और फिर मोती को वो थ्रेड कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप टारगेट्स भी बढ़ाते जाइए, जो पहले फोकसिंग रिक्वायर्ड है उससे और चैलेंजिंग फोकसिंग कहाँ हो सकती है, स्मॉल मसल्स को इस्तेमाल करने के लिए उनको और ज़्यादा कहाँ पर मेहनत लग सकती है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। फिर आता है पेपर टीयरिंग और पेस्टिंग, जिसको सिंपली बोलते हैं कोलाज एक्टिविटी। पेपर टीयरिंग में उनको पहले तो पेपर टीयर करना नहीं आता है, वो क्रम्बल कर देते हैं। पेपर क्रम्बल भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेपर क्रम्बलिंग में भी उनके जो हैंड मूवमेंट्स है, प्रेशर पॉइंट्स है, उस वो कारीगर हो रहे हैं। क्रम्बलिंग पेपर के बाद टीयरिंग आता है, जैसे कि वीडियो में लोपा मुद्रा ने कोशिश की है कि वो टीयरिंग कर पा रही है, लेकिन कभी कभी बहुत छोटा टुकड़ा उसके हाथ में आ रहा है, वो प्रॉपरली लाइंस पर नहीं कर पा रही है। तो आप क्या कर सकते हैं कि सिंपली एक पेपर पर छोटे छोटे कट पॉइंट्स बना के दे दीजिए और उन कट पॉइंट्स को बोलिए वो टीयर करें। तो जब उन कट पॉइंट्स को वो टीयर करेंगे तब उनको आसानी से टीयरिंग आ जाएगी, लेकिन वो प्रेशर देना भी सीख जाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में उनके हाथ भी हिलना चालू करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो और ज़्यादा हैंड मूवमेंट्स पर कंट्रोल पा लेंगे। पेस्टिंग एक्टिविटी, पेस्टिंग एक्टिविटी में सिंपली उनको ग्लू लेना है, ग्लू कागज पर चिपकाना है और किसी पर्टिकुलर शेप में, या आप कोई फिश की शेप बना दी या ट्रायंगल बना दिया, स्क्वायर बना दिया, तो उसके अंदर उनको पेपर्स चिपकाने बोलने हैं। आप मार्बल पेपर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कलरफुल एक्सपीरियंस बच्चों को दे सकते हैं। वो मार्बल पेपर जब वो चिपका रही है
तब भी आप देख सकते हैं वीडियो में कि वो प्रेशर बना रही है अलग अलग जगहों पर, उससे भी उन उसकी उंगलियों पर फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। फोल्डिंग, फोल्डिंग एक्टिविटी में ऐसा है कि आप बोलेंगे कि फोल्डिंग एक्टिविटी ये कैसी एक्टिविटी है, आप पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी दे सकते हैं, या तो रुमाल फोल्डिंग दे सकते हैं, क्लोथ फोल्डिंग दे सकते हैं, जैसे कि लोपा मुद्रा ने यहाँ पर किया है कि उसने सॉक्स फोल्ड करना करके रखे हुए हैं, या फिर जैसे पैंट्स है, या उसने भी एक रुमाल लिया है, उसको कोशिश कर रही है कि वो फोल्ड कर पाए, भले ही वो ठीक तरह से फोल्डिंग ना कर पाए, लेकिन ये कोशिश करना, एक दूसरे से छोर मिलाने की कोशिश करना, इससे भी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती है। क्ले मॉडलिंग ये सबसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बच्चों के लिए है। क्ले मॉडलिंग में बच्चों से स्नेक्स करवाना, बॉल्स बनवाना, या फिर सिंपली उनको रोलिंग पिन देकर उनसे रोलिंग करवाना, इन सब से फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती है। बच्चे बहुत चाव से, बहुत इंटरेस्ट से ये सारी एक्टिविटी करते हैं। अगर आप क्ले में भी कलरफुल क्ले इस्तेमाल करें तो उनको और भी बड़ा मज़ा आएगा। क्ले से आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनवा सकते हैं। जैसे ही वो ABCD सीखना चालू करते हैं तो ए से एप्पल बनवा लिया, या ए से एक्स बनवा दी, या बी से बॉल बनवा दिया, बैर बनवा दिया, बोट बनवा दी, इस प्रकार से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आप क्ले से बनवा कर इन क्ले मॉडलिंग की एक्टिविटी को भी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो ये थी फाइन मोटर स्किल्स के एक्टिविटीज़ की जानकारी। आप मुझे ज़रूर बताइए कि ये सारी एक्टिविटीज़ आपको कैसे लगी, आपके बच्चों के साथ इन एक्टिविटीज़ को कराने का आपका एक्सपीरियंस क्या है, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। उसी के साथ ये बताइए कि आगे कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो देखना पसंद होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें ताकि बाकी पेरेंट्स की भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।